आज पढ़ा रहे हैं अध्याय 13 में क्वेश्चन आंसर, हेडिंग है एनसीईआरटी कॉर्नर। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, सांस्कृतिक विविधता का क्या अर्थ है? क्या है फर्स्ट क्वेश्चन है, सांस्कृतिक विविधता का क्या अर्थ है? भारत को एक अत्यंत विविधतापूर्ण देश क्यों माना जाता है? फर्स्ट क्वेश्चन, सांस्कृतिक विविधता का क्या अर्थ है? भारत को एक अत्यंत विविधतापूर्ण देश क्यों माना जाता है? इंडिया को, है ना? इस 17 में आया हुआ है क्वेश्चन। अब आगे देखिए इसका उत्तर क्या होगा, समझिए। समाज में व्याप्त विभिन्न सामाजिक संस्थाएं लोगों को परस्पर संपर्क में लाकर उनमें सुदृढ़ सामूहिक पहचान स्थापित करती है। क्या करती है? सामूहिक पहचान, परिचय स्थापित करती है। आप ही जानते हैं बिना परिचय कुछ होता है नहीं। एक सामूहिक ग्रुपियर, समूह में रहकर, समाज में रहकर, सोसाइटी में रहकर एक इंट्रोडक्शन, परिचय प्राप्त करती है। समझ गए? इन संस्थाओं के द्वारा असमानता और अपवर्जन की संभावना भी रहती है। सांस्कृतिक विविधता में से तात्पर्य किसी समाज या समुदाय, कम्युनिटी की संस्कृति में, कल्चर में पाए जाने वाले अंतरों से है। समुदाय में पाए जाने वाले क्या से है? अंतर, डिफरेंट से है। बात समझ रहे हैं पढ़ाई को? अंतर क्या होता है? डिफरेंट होता है। अंतर मतलब डिफरेंट से है, बात समझे? भारत एक महान सांस्कृतिक विविधता वाला देश है। भारत एक सांस्कृतिक कल्चरल विविधता वाला देश है इंडिया हमारा। तो हमारा अर्थ यह होता है कि यहाँ कई प्रकार की सामूहिक समूह, ग्रुप व समुदाय, कम्युनिटी निवास करते हैं। कई तरह के लोग, कम्युनिटी ग्रुप के लोग निवास करते हैं, मतलब यहाँ पर रहते हैं। और यह समुदाय, कम्युनिटी सांस्कृतिक कल्चरल चिन्हों जैसे भाषा, लैंग्वेज, धर्म, रिलीजियन, पथ, प्रजाति अथवा जाति, कास्ट के द्वारा परिभाषित किए जाते हैं। इन्हीं सब कारणों से भारत एक अत्यंत विविधतापूर्ण देश कहा जाता है। बात समझ रहे हैं? इंडिया एक विविधतापूर्ण देश कहा जाता है। बात समझ गए? इंडिया विविधतापूर्ण का क्या जाता है? देश कहा जाता है। बात समझ गए? अब देखिए दूसरा पॉइंट, सामुदायिक पहचान क्या होती है और वह कैसे बनती है? कम्युनिटी, सामुदायिक पहचान क्या होती है और कैसे बनती है जानिए। प्रत्येक व्यक्ति का अस्तित्व समाज से है, यानी प्रत्येक व्यक्ति का अस्तित्व कैसे होता है? समाज से होता है, सोसाइटी से होता है। समझने वाली बात है, कहाँ से होता है? समाज से, सोसाइटी से पहचान बनती है। समाजीकरण सोशलाइजेशन की प्रक्रिया द्वारा ही उसे अपने माता पिता, रिश्ते, नातेदारी, समूह, ग्रुप और समुदाय, कम्युनिटी का ज्ञान होता है। समाज के द्वारा ही उसे सोशलाइजेशन, समाजीकरण के द्वारा समाज में हर संस्कृति, कल्चर, कम्युनिटी, ग्रुप, सभी चीज़ के बारे में ज्ञान प्राप्त होती है। समझ गए बात को आप? तीसरा पॉइंट है, राष्ट्र को परिभाषित करना क्यों कठिन है? आधुनिक समाज में राष्ट्र और राज्य कैसे संबंधित है? क्वेश्चन है तीसरा, राष्ट्र को परिभाषित करना क्यों कठिन है? आधुनिक भारत में राष्ट्र और समाज कैसे संबंधित है? तो आज किसी राष्ट्र को परिभाषित करना काफ़ी मुश्किल है, तथा इस संबंध में यही कहा जा सकता है कि देश एक ऐसा समुदाय होता है, कम्युनिटी होता है, जो अपना राज्य प्राप्त करने में कामयाब हो गया है। रोचक बात तो यह है कि इसके विपरीत रूप भी आधिकारिक सत्य हो गए हैं। जिस प्रकार आज भाषाएं भाषी या भावी या आकांक्षी राष्ट्रीयता अपना राज्य बनाने के लिए आधिकारिक प्रयत्नशील है, वैसे ही
वास्तविक राज्य यह दावा करना अधिक से अधिक आवश्यक मान रहे हैं कि वे एक देश का प्रतिनिधित्व करते हैं। आधुनिक युग का एक विशिष्ट लक्षण है ना, क्या है, एक विशिष्ट लक्षण है। चौथा क्वेश्चन, राज्य सरकार सांस्कृतिक विविधता के बारे में संकालु क्यों होती है, यानी स्टेट गवर्नमेंट सांस्कृतिक कल्चरल विविधता के बारे में संकालु क्यों होती है ना। तो राज्यों ने अपने राष्ट्र निर्माण की रणनीतियों के माध्यम से अपनी राजनीतिक वैधता को स्थापित करने का प्रयास किया है ना, प्रयत्न किया है। उन्होंने आत्मसातकरण और एकीकरण की नीतियों के माध्यम से अपनी नागरिकों की निष्ठा आज्ञाकारिता प्राप्त करने के लिए अनेक प्रयास किए हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि अधिकांश राज्य ऐसा मानते थे कि सांस्कृतिक विविधता खतरनाक है, था उन्होंने इसे समाप्त करने अथवा कम करने का पूरा प्रयास किया। अधिकांश राज्यों को यह डर था कि सांस्कृतिक विविधता जैसी भाषा नवजातीयता धार्मिकता इत्यादि की मान्यता प्रदान किए जाने से सामाजिक विखंडन की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी, जो समान समरसता पूर्ण समाज के लिए सोसाइटी के निर्माण में बाधा मानी जाती है। समझ रहे हैं बात को, बाधा मानी जाती है। पांचवा क्वेश्चन है, क्षेत्रवाद क्या है, आमतौर पर यह किन कारणों पर आधारित होता है। पांचवा क्वेश्चन है तो क्षेत्रवाद किसी राज्य के विभिन्न क्षेत्रों के नागरिकों की एक संकुचित धारणा है, जिसके कारण किसी क्षेत्र विशेष के व्यक्ति राष्ट्र की अपेक्षा अपने ही क्षेत्र के हितों को स्वार्थ की पूर्ति की मांग करती रहती है। स्वाधीनता प्राप्ति के पश्चात देश के सभी क्षेत्रों का विकास संतुलित रूप से नहीं हो पाया, जिसकी वजह से क्षेत्रीय भावनाओं को बल मिला और क्षेत्रवाद का उदय हुआ। क्या हुआ, क्षेत्रवाद का उदय हुआ, क्षेत्रवाद का जन्म हुआ। आरंभ में द्रमुक द्रविड़ मुनेत्र कंडुलम पार्टी ने भारत से पृथक होने की धमकी देना आरंभ किया और 1963 में भारत सरकार ने कानून को पास करके विघटनकारी ताकतों को नियंत्रित किया। इसे द्रविड़ मुनेत्र कड़कम के संघ से पृथक होने की मांग छोड़ दी, लेकिन राज्य के लिए ज़्यादा अधिकांश की मांग की गई। इसी तरह अकाली दल ने 1950 से 1960 तक पंजाबी सूबे की मांग की थी और 1966 में पंजाब हरियाणा अलग राज्य बना दिए, लेकिन फिर खालिस्तान की मांग की जाने लगी और 1983 से 1992 तक राजवादी द्वारा हिंसक कार्रवाई की जाती रही। इस प्रकार से राज्य के निजी पहाड़ी क्षेत्र भारत राज्य से पृथक होने की मांग कर रहे हैं। क्षेत्रवाद की वजह से समय समय पर भाषा के आधार पर भी राज्य की मांग की जाती रही है। बात समझ रहे हैं, स्टेट की मांग की जाती रही है। छठा क्वेश्चन है आपकी राय में राज्यों की भाषाई पुनर्गठन की भारत का हित या अहित किया है। छठा क्वेश्चन है आपकी राय में राज्य के भाषाई पुनर्गठन ने भारत का हित या अहित किया है, यानी भारत का हित या अहित किया है। क्वेश्चन आंसर देखिए, भाषा ने क्षेत्रीय तथा जनजातीय भाषा के साथ मिलकर भारत में नवनिर्मित राष्ट्रीय पहचान बनाने के लिए एक अत्यंत सशक्त माध्यम का काम किया। भाषा के कारण संवाद सुगम बना तथा प्रशासन और अधिक प्रभावशाली हो गया। इस प्रकार से प्रेसिडेंसी मद्रास केरल तथा मैसूर राज्यों में विभाजित हो गया। राज्य पुनर्गठन आयोग SRC की रिपोर्ट, जिसका क्रियान्वयन 1 नवंबर 1956 में किया गया, वे राष्ट्र की राजनीतिक तथा संस्थागत जीवन को एक नई दिशा दी है। बस आज इतना ही।